दोस्तों स्टार्ट करते हैं। याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये टाइप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब कराने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आएगा, जैसे कि बोलते हैं के की वैल्यू निकालो, फाइंड के, या क्या बोल देगा कि ग्राफ की क्वेश्चन कोई भी दे देगा, बोलेगा के की वैल्यू निकालो, या फिर बोलेगा वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। कि ग्राफ को देखते ही हमें क्या पता लगना चाहिए कि ग्राफ किस तरीके के ग्राफ बनते हैं। तो ग्राफ के मामले में बेसिकली ग्राफ में तीन कंडीशन बनती है, तो मैं तीनों आपको बताता हूँ। ये है नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड, और ये थर्ड। तो दोस्तों याद रहा, सबसे पहले कभी भी ग्राफ बनेगा तो इसके अंदर तीन कंडीशन बनेगी। ये नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और ये नंबर थर्ड। याद रखना, कभी भी ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आए तो ग्राफ की इक्वेशन देखते ही हमें पता लग जाएगा कि ग्राफ कैसे होगा। इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, या फिर दोनों लाइनें पैरेलल जाएंगी, या फिर दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट बनेगी। तो इसे जानने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राफ की तीन कंडीशनें देखते हैं। तो ग्राफ के अंदर कौन सी तीन कंडीशनें बनेगी, सबसे पहले या तो दोस्तों याद रखना, ग्राफ एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं हम, दूसरी लाइन इस तरह से, तो ग्राफ कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो कभी भी ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका नाम क्या है, ये कौन सी है, इंटरसेक्ट करेगा, तो ये होगा वन सॉल्यूशन। या तो इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक हल होगा, वन सॉल्यूशन, ठीक है, या तो होगा वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी रेखाएं। या फिर ग्राफ किस तरह से बनेगा, मान लो ऐसे या कहीं पर भी कोई लाइन जाए, हम इसे इस तरह से एक लाइन गुजारते हैं तो दूसरी लाइन इसके नीचे जाएगी, ये होती है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन जाएगी तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या, ग्राफ एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इसे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होती है, लाइनें जाती है एक दूसरे के पैरेलल। या तीसरा जो केस आएगा, जाएगा जैसे मान लीजिए एक लाइन इस तरह से जाएगी तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से ही होते गुजरेगी। इसे हम दूसरे कलर से करते हैं, जैसे अगर एक लाइन अगर दूसरी लाइन के ऊपर जब जाएगी, कंडीशन सेम बनेगी, मतलब दोनों लाइन एक ही ऊपर जाएगी एक दूसरे के, तो उसे क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि ग्राफ जो है एक लाइन दूसरी लाइन को हर जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैनी सॉल्यूशन। और हम कह सकते हैं इसे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो याद रखना, इस तरह से तीन कंडीशन है एग्जाम में आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक क्वेश्चन 100% आएगा सीबीएसई में इस बार के एग्जाम में। इस बार में हर बार आता है इसका एक क्वेश्चन। तो याद रखना, इसकी एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन किस तरह से बनती है याद रखना, जैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू जीरो। अगर कभी कभी बाहर डिजिट होती है तो इसे हमें अंदर लेना पड़ेगा, हम इसे वन 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 नाम दे सकते हैं। इस तरह क्या, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू जीरो। तो याद ना, कभी भी ये दो इक्वेशन होंगी, इन दो इक्वेशनों में कैसे पता लगेगा कि ग्राफ फर्स्ट कैटेगरी में फिट होगा या सेकंड कैटेगरी में फिट आएगा या थर्ड, मतलब किस तरह से ग्राफ बनेगा, तो इसे देखने का क्या एक शॉर्टकट है। और वो शॉर्टकट क्या है, कभी भी दोस्तों ध्यान देना, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन करते टाइम में याद रखना, अगर इसके अंदर a1 अपॉन a2 इक्वल टू मींस नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये कंडीशन है, तो समझ जाना ग्राफ का क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, और मीन्स है इसका वन सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ क्या क्या एक जगह पे सॉल्यूशन आएगा। ये है फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन याद रखना, कभी भी ग्राफ a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड नॉट इक्वल टू हो जाए c1 अपॉन में c2, ये कंडीशन आए तो समझ जाना ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल, और ग्राफ एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। जब कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन क्या आएगी, तीसरी कंडीशन को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे सनरे की, और इसका मतलब होता समांतर, और इसका मतलब क्या, ग्राफ एक दूसरे को क्या प्रतिच्छेद करेगा, मतलब क्या, मैं इसे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देता हूं,
ठीक है, तो याद ना इस कंडीशन में क्या बनेगा, जब दोनों लाइन सेम समान है तो इसका मतलब ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इक्वल टू का सी वन अपॉन में सी टू, मीन्स तीनों की तीनों क्या जो इक्वेशन बनेगी दोनों की दोनों सेम बनेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इसी बेस पे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए क्या है, दो तीनों इक्वेशन पहले ही मैंने लिख दिया है जिससे आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो यार ना इसके अंदर इसने बोला कि बताओ कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ वन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा या मैनी सॉल्यूशन, मतलब क्या ग्राफ एक जगह काट एक जगह एक दूसरे को कट करेगा या फिर कभी कट नहीं करेगा या सब जगह कट करेगा, इसका मतलब ये है। तो इस तरह से इसका मतलब है किस तरह से, तो हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें निकालना ए बी सी, ए बी सी इसका मतलब क्या है, ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू। अब पता लगा फिर ए वन क्या वैल्यू, फाइव, ए वन वैल्यू क्या मानी जाएगी, फाइव, बी वन है ये हमारे पास माइनस फोर, थोड़ा टाइम की कमी इसलिए हमें थोड़ा क्वेश्चन स्पीड में करना पड़ेगा, एंड सी वन क्या है एट, इसी तरह ए वन ए टू क्या है सेवन, ये क्या है सिक्स और ये क्या है माइनस का नाइन। अब क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं, देखो रूल क्या कहता है, अगर ए वन अपॉन में ए टू इक्वल टू नॉट होना चाहिए बी वन अपॉन में बी टू, चेक करते हैं क्या है यहाँ पर, तो ए वन है फाइव बाय सेवन और इधर क्या है माइनस का फोर बाय सिक्स, क्या दोनों इक्वल है, नहीं। तो ये हमें अगर इक्वल नहीं है तो हमें पहले स्टेप में पता चल गया कि ग्राफ क्या है, यदि ए वन एंड ए टू बी वन बी टू के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ग्राफ एक तरह से क्या होगा इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, तो दिस ग्राफ विल इंटरसेक्ट, तो ये इस कैटेगरी में आएगा ग्राफ इसका, ठीक है दोस्त बच्चों याद रखना इस चीज़ को। हमारे पास पेज की कमी है इसलिए क्या मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ। इसी तरह से क्या था सेकंड क्वेश्चन, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन है, मैंने इसे सेकंड नाम दे दिया है। हम यहाँ पर भी चेक करेंगे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू एंड सी टू, तो ये जाएगा सिक्स माइनस थ्री टेन, टू माइनस वन एंड नाइन। तो जब हम इसे चेक करते सबसे पहले चेक करेंगे ए वन अपॉन में ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू, क्या ये कंडीशन है या नहीं है, तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या सिक्स बाय टू इक्वल टू माइनस का थ्री डिवाइड बाय माइनस का वन। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों एक तरह से इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल, टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स, तो ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो देखो अगर ये दोनों यहाँ पर इक्वल आ गए हैं तो कहने का मतलब फर्स्ट कैटेगरी में तो ग्राफ नहीं फिट होगा, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में इसलिए कट नहीं, फर्स्ट कैटेगरी में इसलिए फिट नहीं होगा क्योंकि ये क्या एक दूसरे को कट रहे हैं। ध्यान से समझना, अगर ये नॉट इक्वल होता तो ये फर्स्ट कैटेगरी में जाता, लेकिन ये क्या इक्वल आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि ग्राफ हमारा इक्वल हो गया ए वन ए टू एंड बी वन बी टू सेम यहाँ पर है, अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएगी तो समझ जाना कि ये या तो इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में। अब हमें सी कर चेक करना है कि क्या सी वन सी टू इक्वल है या नहीं है, अगर होगा इक्वल तो ग्राफ इस कैटेगरी में आएगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर इक्वल नॉट में आएगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो चेक करते हैं यहाँ पर सी वन अपॉन चेक करते हैं सी वन अपॉन में सी टू, तो सी वन अपॉन में सी टू की जब हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, यहाँ टेन है या नाइन है, तो याद रखना जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ थ्री बाय वन था और यहाँ पर भी थ्री बाय वन, ये दो तो पार्ट इक्वल है, क्या ये इक्वल है टेन बाय नाइन, तो ये पार्ट तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू में, कहने का मतलब दो पार्ट इक्वल है और थर्ड पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा इस कैटेगरी में, और जो ये जो ग्राफ की कंडीशन बनेगी ये क्या बनेगी, इसकी पैरेलल कंडीशन जो कि होगी नो सॉल्यूशन की ग्राफ, ठीक है। इस तरह से ये पहचान है, क्वेश्चन को पहचानने इस तरह से अगर आप आरडी शर्मा बाकी भी बुकों से करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से क्या है इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जब हम इसे सॉल्व करते हैं इसी तरह हम कैटेगरी बांटेंगे ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। दोस्तों सबसे पहले क्या रखेंगे हम, तो दोस्तों सबसे पहले क्या रखेंगे हम, इनकी वैल्यू रखते हैं, ए वन क्या है हमारे पास नाइन, बी वन जो होगा क्या होगा थ्री एंड सी वन क्या होगा ट्वेल्व। ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ माइनस होगा तो हमें माइनस भी लेना पड़ेगा, इस तरह यहाँ एटीन और यहाँ आएगा सिक्स और दूसरी तरफ क्या आएगा ट्वेंटी फोर। तो रूल चेक करते हैं सबसे पहले ए वन ए टू क्या बी वन बी टू के इक्वल है
ए वन अपॉन में ए टू क्या बी वन अपॉन में बी टू के इक्वल है? अगर नहीं होगा तो शुरुआत में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगर फर्स्ट कैटेगरी में ग्राफ फिट होगा। और अगर ए वन ए टू ए वन ए टू जो है बी वन बी टू इक्वल है तो चेक करेंगे सी पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं, ये 9/18 इक्वल टू 3/6, जब इसे क्रॉस करेंगे 9 1 जा 9 9 2 जा 9 3 1 जा 3 3 2 जा, तो ये क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब ए वन ए टू बी वन बी टू के तो इक्वल आ चुका है। अब चेक करते हैं क्या सी वन सी टू के इक्वल है, इक्वल होगा तो ये कैटेगरी और नहीं होगा तो इस कैटेगरी में। तो ये सी वन अपॉन में सी टू, तो यहाँ जब हम चेक करते हैं 12/24 तो 12 1 जा 12 12 2 जा 24, तो तीनों कैटेगरी के आपस में इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों इक्वेशन क्या है, बिल्कुल सेम है। और जब इक्वेशन तीनों सेम हो जाएंगी तो याद में जो ग्राफ बनेगा वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को ऊपर ही जाएगा, मतलब पहली लाइन जहाँ जाएगी तो दूसरी भी उसी को ऊपर ही बिल्कुल सेम तरीके से जाएगी। तो ग्राफ में क्या आएगा इसका आंसर, मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं जो सेम होंगे, और याद रखना क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है, उसी तरह से क्वेश्चन फोर्थ भी है। ये जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और आप इसके कोई भी डाउट होगा तो आप इसी क्वेश्चन के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम होगी तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे आप, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि बहुत ही जल्दी आएगी। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए गोपाल शर्मा क्लासेस। गुड बाय।